चलो मैडम को मुबारक। ये मेरे ख्याल से मतलब है ये तो अच्छा कदम है, खासकर कश्मीर आर्ट के लिए है, खसूसन यहाँ तो मतलब मशीनी आम हो रही हैं, धोखाबाजी हो रहे हैं, लेकिन पटरों में बिकते हैं, मशीन का माल है, दुकानों में बिकते हैं, मगर पहचान किसी का नहीं है। माशाल्लाह आप तो हर किसी का पहचान आने लगा है, लेकिन गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं इसको तवज्जो दो, जो कश्मीरी आर्टिज़न है उसको मतलब है फॉलो करो, उस कश्मीर का टूरिस्ट जब आता है, चाहे फॉरेनर चाहे मतलब है, उसी पर ये कश्मीर चलता है, आम तो मतलब कश्मीर आर्ट से ही सारे मतलब कश्मीर चलता है, लेकिन मेहरबानी होना चाहिए ये कश्मीर आर्ट जब मतलब चाहे बाहर करेंगे चाहे यहाँ करेंगे उसमें मतलब तवज्जो देना है गवर्नमेंट को, कौन सही है कौन मतलब है नहीं। भी जो है ऑटम चल रहा है और ऑटम के बाद अब विंटर सीजन स्टार्ट होगा, और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टार्ट होता है तो हमारा जो है वो टूरिज्म एज वेल एज हैंडीक्राफ्ट की सेल स्टार्ट होती है। तो आज के बाद जो है हैंडीक्राफ्ट सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एग्जीबिशंस करते हैं। तो अभी एक हफ़्ता पहले हमने एग्जीबिशंस का सिलसिला जो स्टार्ट किया वो पहलगाम से स्टार्ट किया, अभी हम आज यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद जो है हम गुलमर्ग में भी करेंगे और साथ ही साथ जो है जम्मू में फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एग्जीबिशंस करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि आर्टिजन्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ ताकि जो वो माल बनाते हैं उसकी सेल हो। तो उसी जो है कॉन्टेक्स में बुलवार्ड का एरिया बहुत अहम रहता है टूरिज़्म के हवाले से, यहाँ फुटफॉल भी अच्छा रहता है, और कल जब से हमने ये एग्जीबिशन लगाया तो हमारा जो है सेल भी स्टार्ट हो गया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली आर्टिज़न से लोग खरीदे, टूरिस्ट आर्टिज़न से खरीदे, क्योंकि आप देख रहे हो कि बड़े शॉप्स भी है यहाँ पे है, यूजुअली ये शॉपकीपर जो है वो ज़्यादातर जो है मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम एक तो जेन्युइन क्राफ्ट को प्रमोट करें और जेन्युइन क्राफ्ट्समैन को प्रमोट करें, तो वही मकसद है इस एग्जीबिशन का।